वेव्स ऑफ द ओशन विच हिट्स द लाइट हाउस सागर की लहरें जब लाइट आर हाउस लाइक को सिचुएशंस छू लेती हैं, सर्कमस्टेंसेस डिफरेंट सीन्स ऑफ ड्रामा. ड्रामा के अलग अलग सीन देखकर, परिस्थितियां देखकर। They come and they pass. वो आते हैं और चले जाते हैं। But I should not be affected. लेकिन मुझे Should not इन be सब चीजों scared. से प्रभावित नहीं होना है, डरना नहीं है। And take different kinds of feelings. और From अलग अलग those प्रकार situations, की भावनाएं उस परिस्थिति से लेकर remain detached observer. साक्षी दृष्टा बनकर रहना है। And look at the scenes of drama, और ड्रामा के सीन्स को different actors playing their part. देखें कि अलग अलग एक्टर अपना पार्ट बजा रहे हैं And they all are temporary. और वो सब अल्पकाल के लिए है। I don't need to use my intellect मुझे अपनी बुद्धि यूज करने by की जरूरत saying नहीं है। what happened, who did ये it. सवाल उठाना कि क्यों, क्या, कैसे, किसने किया, Use intellect as much necessary. जितनी जरूरत है उतना ही बुद्धि को यूज करें। And thoughts always churning, reflecting, और संकल्प हमेशा मनन चिंतन करते रहें, maintaining good feelings and good wishes for everyone. शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं सभी के लिए बनाए रखें। Our vibrations हमारे वाइब्रेशंस of love, of peace, belonging प्रेम के, शांति के, अपनेपन के can help the souls और आत्मा की मदद करें and bring transformation. परिवर्तन लाने में। So if I remain engaged in my task, अगर like मैं अपने lighthouse, house. कार्य में बिजी रहूंगी, लाइट हाउस माइट हाउस के जैसा, This will help me to remain ये मुझे मदद देगा unshakable and stable. अचल अडोल बनकर रहने की। Now, I make my own stage अब मैं अपनी very स्थिति stable, स्वयं बनाती हूँ, बहुत ही स्थिर, peaceful and loveful. शांति से भरपूर, प्रेम से भरपूर, And create vibrations और रचना करें to ऐसे uplift the वाइब्रेशंस atmosphere. की ताकि वायुमंडल ही ऊंचा उठ जाए And make the yajna, the task, और यज्ञ easy के and कार्य successful. को सहज बनाए We all और take drishti from Baba सफलता प्राप्त हो। आप बाबा से and दृष्टि create लेंगे determination. और दृढ़ता की रचना करें। That I will be consistent server मैं सेवाधारी हूं, and I will serve the yajna all the time through my मैं thoughts, words and निरंतर actions. सेवाधारी हूं, अपने संकल्पों द्वारा, शब्दों द्वारा और कर्मों द्वारा सेवा करेंगे। अंदर भावना थी, हो सकता है मैं बाबा के पास एक रात जाकर रहूं,
तभी कोई नहीं बाबा के पास रहता था, बाबा के लुटन में। तो बाबा हमारे पास आया था बेबी भवन में, संकल्प से था, हो सकता है। तो बाबा हाथ से पकड़ के कहता है, बच्ची कार में बैठ जाना। कार में बैठ गई, इतना समझो मुझे कितनी खुशी हुई होगी। ये वो भी हमारे पास एक, ये हमारे पुराने चंद्रास भाई है, रतन दादी जानती, किकनी बहन थी, बड़ी अच्छी थी। उसका हमारे में आपस में आत्मा हूँ मैं, आपस में बैठ करके, बगीचे में बैठ करके आपस में रूहरियान कर देते। हम दोनों वो रूहरियान कर रहे थे। बाबा जिस करी आया देखा तो खुशी हुई, तो बाबा के पास रात को रही। तो ये अंदर बाबा की रूम है, ये बाहर में बाबा की दूसरी रूम में थी वहाँ। इसलिए लंदन में हमने बाबा भवन नाम रखा है, जो बंगला ऐसा है, बगीचा वो सागर नहीं है पर स्टाइल वो है। तो सारा टाइम ये चलता था, खुशी बहुत, मैं बाबा भवन में हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ, बाबा के साथ हूँ। पर थोड़ा दो तीन ख्याल आया सुबह को, 5 बजे बाबा बैठता था, फिर जो वहाँ 8-10 लोग होते थे वो बैठते थे, पापा मुरली चलाता था। तो मैं बाबा से ये पूछेंगी थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी ऐसी। जब बाबा के सामने गई बैठी थी तो बाबा पे दृष्टि दे रहा था, पर ऐसी मुरली चला रहा था, बड़े प्यार से चला रहा था, ऐसा चला रहा था, बस मेरे खुशी क्या बताऊं उसका, जो सुनाता जाए वो गदगद होती जाऊं। एक तो बाबा के पास सामने बैठी हूं, जब मुरली पूरी की, का बच्ची कुछ पूछना है? मैंने पहले मेरा घट बंद कर दिया, अब भी कहते हो पूछ रहा है। पहले तो मेरा बंद कर दिया, क्यों बाबा सब कुछ सुना लिया, अब भी कहते हो बच्ची पूछना है कुछ? तो कहा बच्ची तुम्हारे सामने भी जो आएंगे ना उसका भी ये हाल होगा। समझो कितना साल पहले की, तुम्हारे सामने भी जो आएंगे उसका भी ये हाल होगा। ये है भगवानों वाच्य है, कोई सामना कर नहीं सकता। ओम शांति, आप सबका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। ओम शांति, वेलकम टू अव्यक्ति परिवार। टुडे इज डे 8, आज है डायमंड, आठवां दिन डायमंड दादी। ओम शांति, नाउ याद में रहना दीदी। अब हम मोहिनी दीदी को सुनेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। When I say Om Shanti, जब मैं ओम शांति कहती हूँ, actually I give my introduction. मैं अपना परिचय दे रही हूँ वास्तव में. That I am कि Om मैं Shanti peace. ओम I am शांति. मैं शांत Or आत्मा. I can, in my mind I am soul, a peaceful या मन soul. में मैं आत्मा हूँ, एक शांत But when आत्मा हूँ. ओम शांति लेकिन जब मैं ओम शांति कहती हूँ words, शब्दों में, soul also, फिर मैं दूसरी आत्मा को भी जब देख रही हूँ peaceful. वो भी शांत आत्मा है. Call this as greetings of peace, that I am हम peaceful, इसे हम जैसे कि शांति की ग्रीटिंग्स दे रहे हैं कि मैं शांत हूँ और आपको भी मैं शांति से अभिनंदन कर रही हूँ, ग्रीटिंग्स दे रही हूँ. in a proper way, लेकिन उसे सही तरीके से कहना है, internally, take few मतलब moments, के अंदर मैं एक दो पल थोड़ा ठहर जाऊं, create this awareness properly, ताकि मैं ये स्मृति ठीक से बनाऊं कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ. then I look at others, फिर मैं दूसरों को soul देखती or हूँ, a gathering, चाहे वो एक आत्मा हो या say, संगठन Om हो, Shanti. और मैं कहूँ ओम शांति. So creating awareness, तो and इस स्मृति में रहना Om और फिर ओम शांति will कहना, create very beautiful atmosphere. तो हम बहुत ही सुंदर वायुमंडल बनाते हैं. People will also respond very और फिर quickly. लोग भी उसी तरह By से saying, रिस्पॉन्ड देंगे, बहुत Om ही Shanti. मधुरता से ओम शांति कहकर. People of all religions कहेंगे in the audience लोग will सभी also भाषाओं say, के Om और सारी Shanti. ऑडियंस भी ओम शांति ही But कहेंगे. if I just use the words Om Shanti, लेकिन अगर मैं सिर्फ if you शब्द just say कहती हूँ ओम Om शांति, Shanti, तो कभी they are कभी not ऐसे ही कह enough देते हैं ओम vibration शांति, उसमें वाइब्रेशंस of उतने peace. नहीं हैं शांति के. So create awareness, take few moments. तो ये आप स्मृति लाएं, थोड़े से पल लें ओम Yourself शांति, internally. अंदर से खुद को तैयार करें, Very peacefully you introduce yourself बहुत and you शांति से say, स्वयं का I am परिचय peaceful. दें कि मैं शांत आत्मा हूँ. Why I'm saying prepare, because you have to be क्यों मैं कह internally रही हूँ कि तैयार very peaceful. करना, क्योंकि आपको अंदर से बहुत ही शांत रहना And है. then through your drishti, through your और face, फिर दृष्टि द्वारा, this चेहरे is the द्वारा expression of peace. वो शांति का And then when you एक्सप्रेशन say हो. Shanti, it's very powerful. और फिर जब आप ओम शांति कहेंगे तो वो बहुत And ही I think we शक्तिशाली all should होगा. practice it. और मुझे लगता है कि हम सभी को अभ्यास When I करना चाहिए. practice, as जब मैं much as अभ्यास we करती हूँ, practice, that much जितना मैं अभ्यास करती हूँ of उतना manan हमारा chintan स्वभाव increases. मनन चिंतन का बढ़ जाएगा. As I will have to think जैसे that मुझे सोचना पड़ेगा to make these words powerful, कि इन what I शब्दों have to को do. शक्तिशाली बनाने के लिए मुझे क्या करना है. Is it manan chintan first then practice, क्या ये or is मनन it चिंतन practice पहले then करना है manan फिर chintan? अभ्यास, या पहले अभ्यास करना है फिर मनन Both चिंतन have करना है? connection. और दोनों में गहरी कनेक्शन है. Those who have this nature, जिनको ये स्वभाव है and that we मनन say, चिंतन करने का, every point they हम reflect, कहते हैं then कि they, हर एक पॉइंट पे विचार करो, they मनन चिंतन करते tell हैं us. और फिर वो दूसरों के साथ शेयर करते हैं. Knowledge also when we give, ज्ञान जब as भी much हम देते हैं, practice, there will जितना be आप अभ्यास impact when you करेंगे give knowledge to others. तो दूसरों पर असर पड़ेगा जब आप ज्ञान But देंगे. if तो I haven't churned अगर on it, मैंने मनन चिंतन नहीं किया है, hadn't been practicing, अभ्यास so नहीं many किया है, people will say, oh, she was speaking like a parrot. तो बहुत सारे लोग फिर कहते हैं कि तोते जैसा बोल रही And थी, she is repeating. कुछ पढ़ाया गया है और वो बस बोलते जा रही है. And it is very, very obvious from our face. और हमारे चेहरे से भी दिख जाता है.
दादी जानकी यूज्ड टू टेल अस, दादी जानकी हमें कहती थी इन साइलेंस के बोलने से पहले साइलेंस में जाना क्रिएट दैट अवेयरनेस, वो स्मृति एंड देन स्पीक, बनाओ वो स्थिति बनाओ और फिर बोलो. एंड दैट नॉट ओनली विल हेल्प अदर सोल्स, और वो सिर्फ आपको ही मदद नहीं देगा बट ऑल्सो वेरी डीप अन्य आत्माओं को भी मदद देगा. सो मीन्स और साइलेंस, शांति गहराई में मतलब है साइलेंस. शांति मीन्स पीस, पर शांति आल्सो इज साइलेंस. शांति नो, व्हेन वी से फॉर होम और साइलेंस, जैसे हम घर के लिए कहते हैं लैंड ऑफ साइलेंस, देन इन हिंदी वी से शांति धाम, निर्वाण धाम. हम कहते हैं शांति धाम, निर्वाण धाम. सो इज साइलेंस एंड आल्सो पीस. तो शांति भी है और साइलेंस भी है. टर्निंग, मनन चिंतन, तो ये मनन चिंतन करना अवेयरनेस क्रिएट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल इनर स्वीट साइलेंस. ये अंदर से एक मीठ मधुर साइलेंस है, ये स्मृति में लाना है. तो जब मैं बात करती हूँ तो दूसरों को भी फिर अनुभव होगा, उन्हें भी फील होगा. बी मोर लाइक वर्ड्स, नहीं तो वो जैसे शब्द ही रह जाएंगे. जैसे बाबा कहते हैं कि अनुभव की अथॉरिटी बनना है. स्पीकिंग अदर्स शुड बी एक्सपीरियंसिंग, जब हम बोल रहे हैं तो दूसरों को अनुभव होना है उस समय. वो तब ही संभव है जब मैं ये स्मृति बनाती हूँ और अभ्यास करती हूँ डीपली डीपली रिफ्लेक्टेड ऑन व्हाट आई एम सेइंग. गहराई में विचार करना है, सोचना है कि मैं क्या कहने वाली हूँ और फिर ही कहना है, फिर ही प्रभाव पड़ता है. उसके लिए तो अनुभूति की जरूरत है. इसके लिए जब मैं कहती हूँ कि जब दादी कहती है ओम शांति, यू विल फाइंड दैट दिस टू वर्ड्स, तो आपको लगेगा कि ये दो शब्द बहुत ही शुभ है. भक्ति के मार्ग पर वो लोग ओम शांति का जाप करते हैं क्योंकि ये जैसे कि एक मंत्र है, धार्मिक मंत्र है, शुभ है. ओम यानी कि मैं, वो पहला शब्द है, आवाज है. सो सम पीपल इन पाथ ऑफ भक्ति, कुछ लोग भक्ति मार्ग पर कंसिडर ओम एज नेम ऑफ गॉड ऑल्सो, ओम भगवान का नाम भी है, वो ऐसे भी मानते हैं. इवन इफ गॉड, वो सही है, इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, क्योंकि अगर भगवान को भी स्वयं का परिचय देना है आई एम, तो उन्हें कहना पड़ता है कि मैं ओम हूँ, और फिर वो अपना परिचय देते हैं. तो बहुत सारे लोग In the beginning, Baba also ओम का जाप करते हैं. शुरू में बाबा भी ओम का जाप करते थे just go in trance, और बहुत सारे फिर ट्रांस में जाते थे. So, उस sometimes जाप से take words, ओम तो कभी कभी very ordinary way, हम ओम शांति को बहुत ही साधारण तरीके से ले लेते हैं. So doesn't have और जिस तरीके से हम कहते हैं उसमें वो शक्ति भी नहीं होती है, वो स्मृति नहीं रहती है. When I came in knowledge, मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई थी तो मैंने ये शब्द सीखा ओम शांति, writing letter, doing anything, पत्र लिखते समय या जो भी करते समय, other, जब भी हम मिल रहे हैं एक दूसरे से या एक दूसरे को गुड बाय बोलना है या हमें कुछ कार्मिक अकाउंट सेटल करने हैं, जो भी हम ओम शांति कहते थे. Not Om Shanti, like Om Shanti, right? Om okay, Shanti, सिर्फ ऐसे नहीं कहना है. Om Shanti कहना, साधारण तरीके से नहीं कहना. Simple practice, but very powerful. तो बहुत ही simple अभ्यास है, लेकिन शक्तिशाली है. That means we have to practice, right? Create the awareness. मतलब हमें अभ्यास करना है, वो स्मृति लानी है. Silence में जाओ. And then say Om Shanti. और फिर Om Shanti कहो. So Second Om Shanti, Dadi said. तो दूसरी ओम शांति जो है दादी ने कहा वो बाबा के लिए है, बाबा की याद के लिए है. So I am soul, I am peaceful. मैं आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ. One,
मैं ओशन ऑफ एक पीस. उसका बच्चा हूँ जो शांति का सागर है. सो बाबा इज ओम शांति, ही इज अनलिमिटेड ओशन. तो ओम शांति है बेहद की एंड आवर होम शांति के सागर. Also is और हमारा घर home of sweet silence and वो peace. भी sweet silence का घर है, शांति धाम है. So I am soul, I am child of मैं आत्मा ocean हूं, of peace. I am peaceful, मैं शांति के ocean सागर की बच्ची हूँ. मैं and शांत आत्मा हूँ, I am from शांति के the land of सागर peace. के बच्ची हूँ. और मैं So, word peace, huh? शांति के घर से हूँ, ओम लव, स्वीट होम से हूँ. इसे ओम पीस, ओम पीस कोई कहता है, ओम शांति. प्योर क्योंकि आत्मा की पवित्र ऊर्जा शांत है, शांति से भरपूर है. I've been talking lot about connection of purity. बाबा पवित्रता के कनेक्शन के बारे में और शांति के बारे में बात कर रहे थे. upset, angry, अगर आप are, नाराज होते हो, गुस्से में हो, hurt or pain, या दुख में हो, दर्द में हो, that is because of body consciousness, right? वो देह अभिमान की वजह से है. So this practice for my own self, तो ये अभ्यास मेरे अपने लिए, सिर्फ ये नहीं कि ओम शांति कहना है, बट फॉर माय ओन सेल्फ आल्सो, क्योंकि मेरे लिए भी थ्रू माय थॉट्स, मेरे संकल्पों द्वारा ओम शांति मुझे कहना है, ओम शांति, क्रिएटिंग दैट पीस विद इन, अंदर में वो शांति की रचना करनी है. प्योरिटी इज द मदर ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, क्योंकि पवित्रता peace first. सुख और शांति की जननी है. And that's what whole world is saying. We want peace in the world. इसके लिए सारा विश्व भी यही कह रहा है कि हमें शांति चाहिए विश्व में, हमें शांति चाहिए विश्व में. Because when there is peace, there is no conflict. क्योंकि जब शांति होती है तो तब भी कोई टकराव नहीं रहता है, कोई मन मुटाव नहीं है. Even if there are differences, but we can still be peaceful, right? अगर भिन्नता है फिर भी हम शांति से तो nothing रह wrong, सकते हैं. Each one of us to think differently. उसमें कोई गलत बात नहीं है. अगर हम अलग अलग सोचते हैं, हम भिन्न भिन्न सोचते हैं, फिर भी हम एक साथ so कार्य कर very, सकते हैं. powerful in the sense बहुत of ही effective, शक्तिशाली और प्रभावित और सिंपल अभ्यास है ओम शांति, ओम शांति कहने का. I don't know how many of you were able to practice today. मुझे नहीं पता आप कितने कितनों ने आपने आज अभ्यास किया, लेकिन internally I am जैसे ही आज मैंने अंदर से याद किया कि मैं शांत हूँ, तो सारी एनर्जी पॉजिटिव हो जाती है और शक्तिशाली हो जाती है. Because from your own breath, क्योंकि अपने श्वास से आप ओम शांति कहते हो. फिजिकल एनर्जी आल्सो चेंजेस, तो सारी स्थूल एनर्जी भी बदल जाती है स्वयं को जब हम ओम शांति कहते हैं तो. और मुझे लगता है कि हमें ये यूज कहते हैं, इसे धार्मिक शब्द कहते हैं या शुभ शब्द कहते हैं या मंत्र कहते हैं. इसके लिए सारे हठ योगी भी अपनी बुद्धि के लिए, अपने श्वास लेने के लिए ये ओम शब्द यूज करते हैं. ओम शांति, वर्ड टेक्स यू लॉट अप अप इनटू शब्द, एंड ब्रिंग्स वेरी ब्यूटीफुल वाइब्रेशंस इन योर ब्रेन. बहुत ही लंबा खींचते हैं जैसे कि, और अच्छे वाइब्रेशंस लाते हैं बुद्धि में. तो श्वास लेते हैं ओम लेकर कहते हैं, तो शांति जब कहते हैं तो वो नीचे आता है दिल में. ओम ऊंचा उठाते हैं और शांति नीचे. तो बुद्धि में और दिल में, दोनों में वाइब्रेशंस होंगे ओम शांति. तो ये अगर स्मृति है, अगर ओम में, ओम की जो वाइब्रेशंस है वो बुद्धि में रहेंगे और शांति की वाइब्रेशंस दिल में रहेंगी, कि आप हर श्वास ले रहे हैं शांति में, बहुत ही शांति से, तो वो बहुत ही स्वस्थ दिल को बहुत स्वस्थ बनाएगा, आपके हृदय को स्वस्थ बनाएगा. But then of course there are a lot of details of और उसमें बहुत सारे
डिटेल्स हैं ओम शांति के, जैसे मैंने कल बताया पांच स्वरूप आप कर सबका अभ्यास कर सकते हैं अपनी पहचान के लिए, स्वदर्शन चक्रधारी बनना, how I played my part in the cycle, कैसे मैंने इस साइकिल में कल्प में अपना पार्ट बजाया है, stay in confluence age, और फिर संगम युग में रहकर से ओम शांति, और फिर ओम शांति also is a kind of full stop, right? ओम शांति का मतलब है फुल स्टॉप भी, बिंदी लगाना. Whenever there is something around जब भी ओम शांति प्लीज कुछ stop हो रहा है तो हम कहेंगे ओम शांति बस अब कुछ मत कहो रुक जाओ. So there are many many use. तो बहुत सारे इसके फायदे हैं ओम शांति के, चाहे आपके संकल्पों में हो चाहे शब्दों में हो. दादी प्रकाशमणि, दादी प्रकाशमणि कहती थी जब भी हम मीटिंग करते थे अगर बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है तो अंत में वो कहेंगे ओम शांति, एवरीवन विल जस्ट स्टॉप, तो सभी फिर जस्ट बस वहीं रुक जाएंगे. तो ये भी जैसे के बताएं कि अब ये टॉपिक का अंत करो ओम शांति. तो इस शब्द के बहुत सारे फायदे हैं, बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं, लेकिन इन शब्दों का असर तब है जब आप उसकी स्मृति में हैं. अबाउट डिफरेंट फैसेट्स ऑफ डायमंड दादी, जब हम डायमंड दादी के अलग अलग पहलू के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कनेक्शन देख सकते हैं, आप जैसे कि सुंदर माला बना सकते हैं इन अलग अलग पहलुओं का. तो यहाँ से फिर हम याद की तरफ चलेंगे, चलते फिरते समय बात करते समय याद में रहना. अवेयरनेस कुड ऑल्सो बी रिमेम्बरेंस, स्मृति में रखना उसे भी याद कहते हैं, या सोचना उसे भी याद कहते हैं. जैसे ही मुझे स्मृति आती है या मैं सोचती हूँ कि मैं शांत आत्मा हूँ, then in a very natural way, तो बहुत ही नेचुरल तरीके से आपके संकल्प बाबा की तरफ ही जाएंगे. ओम शांति एंड नॉट सिर्फ ओम शांति नहीं है और बाबा का संकल्प ना हो ऐसे नहीं. बाबा I am Baba's child, I am peaceful. जैसे मैं बाबा की बच्ची हूँ, मैं शांत हूँ. So remembrance, one is of course yoga and. तो याद एक होती है योग की, तपस्या की, और सारे दिन भर में भी. To create a beautiful spiritual atmosphere, powerful. रचना करना एक रूहानी वायुमंडल की, शक्तिशाली वायुमंडल की. ऐसा वायुमंडल हो जहाँ कोई भी विघ्न न हो. याद बहुत जरूरी है. Walking, talking, याद around. करना चलते फिरते समय बात and करते समय life of a karmayogi. तो उसे कहते हैं कर्मयोगी जीवन. बिकॉज lot of things get settled. क्योंकि बहुत सारी चीजें हम जैसे कि सेटल कर रहे हैं, चुप तो कर रहे हैं, तो Because you feel याद में रहकर आप बहुत सारे संकल्पों को कैंसिल करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं सोचना है मुझे, ये so नहीं सोचना है. thoughts, तो जब आप संकल्पों को परिवर्तन कर रहे हैं silence, तो आप बहुत सारे कर्मों का हिसाब किताब तुक्तु कर रहे हैं साइलेंस में रहकर. लेकिन आप अगर अनुमति देते हैं सबको, सब संकल्पों को शब्दों में आने के लिए, कर्मों में आने के लिए, तो हम फिर और कर्म बनाते हैं. तो अगर संस्कारों को बहुत दृढ़ करना है, एक है हम कहते हैं कि हम योग में बैठकर अपने पापों को दग्ध करते हैं, लेकिन दिन के समय, सारे दिन में जब हम याद करते हैं, कार्य करते समय, कि ये जैसे कि आप डबल इनकम कमा रहे हैं, एलिवेटेड एक्शन टू सर्विंग यज्ञ, श्रेष्ठ कर्म भी कर रहे हैं, यज्ञ की सेवा कर रहे हैं, और कर्मों का हिसाब किताब भी हो रहा है. प्रैक्टिस ऑफ रिमेम्बरेंस सो मच, ब्रह्मा बाबा का ये अभ्यास था याद करना, इतना अभ्यास था उनका भोजन खाते समय.
I'm feeding body in remembrance of शरीर को खिला रहा हूँ बाबा की याद में. First you feed Baba few पहले minutes, बाबा को भोजन खिलाओ थोड़े पल और फिर शरीर को खिला रहे हो लेकिन बाबा की याद में. If all of us pay little more attention on अगर हम सभी थोड़ा सा ध्यान दें याद पर कार्य करते समय तो उस बहुत सारे चमत्कार. Generally intellect gets so engaged even with simple. लेकिन ज्यादा करके बुद्धि इतनी व्यस्त हो जाती है साधारण कार्य करने में भी कि हमारी बुद्धि भटक रही है. नेगेटिव ना हो व्यर्थ ना हो लेकिन कहीं और होती है. So tomorrow we will be paying more attention. तो कल हम ध्यान देंगे that while doing actions, के कार्य करते समय कर्म करते समय मैं याद में रहती हूँ और फिर is created. रूहानी प्रेम से भरपूर वायुमंडल की रचना होती है. big service. बहुत बड़ी सेवा है ऐसी वायुमंडल की रचना करना और वो तभी ही पॉसिबल है कि जब मैं बाबा की याद में हूँ और will be part of that. If I am और दूसरे भी उसका हिस्सा होंगे. जब मैं याद में रहूंगी तो जो वायुमंडल होगा our sustenance, हमारी uplift, पालना all depends हमारा आगे बढ़ना ऊंचा उठना वो सब कुछ वायुमंडल पर निर्भर है. लेकिन हम कंप्लेन भी कर सकते हैं कि वायुमंडल अच्छा नहीं है लेकिन मैं क्या कर रही हूँ. so experiment, don't think तो प्रयोग करो. atmosphere is not right. ऐसा नहीं सोचो कि वायुमंडल अच्छा नहीं है सभी अच्छे नहीं है तो लेकिन आप बाबा को याद करो और फिर चमत्कार देखो. Important service. ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा है. service, तो हम सेवा के बारे में सोचेंगे और वो याद के द्वारा ही सेवाएं होती रहेंगी. so what is important, service or remembrance? तो क्या महत्वपूर्ण है सेवा जरूरी है या so याद. service busy, right? Whether spiritual हम सेवा में बिजी रहते हैं चाहे वो रूहानी सेवा हो या कर्म योगा हो. सेवा तो कर रही हूँ लेकिन याद के बारे में क्या. so it's not that you have to sit now because I have to remember I won't do anything. ऐसे नहीं कि वो मुझे बैठना है याद करना है तो मुझे और कुछ नहीं करना है. do it in, even if you give in knowledge, teaching, अगर आप ज्ञान दे रहे हो फोन पे हो रिसेप्शन ड्यूटी पे हो या भोजन बना रहे हो बाबा की याद में रहो. और वो सच्ची सेवा है. याद में रहना और कर्म करना वो ही सच्ची सेवा है. बिकॉज इट्स हेल्पिंग द सोल्स क्योंकि वो आत्माओं की मदद कर रही है. टुमारो वी विल बी तो कल हम एक्सपेरिमेंटिंग ये डूइंग सम प्रयोग करेंगे कुछ मनन चिंतन करेंगे विचार करेंगे. सर्विस थ्रू रिमेम्बरेंस याद के द्वारा सेवा करना दैट इज व्हाई वी कॉल इट सेवा कर्म योगा. इसलिए हम उसे कहते हैं सेवा कर्म योगा कहते हैं. so we doing elevated actions but if I mean तो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं लेकिन अगर याद में रहकर कर रहे हैं तो इतना कुछ हो जाएगा याद में रहकर. इतनी रचना कर पाएंगे यज्ञ की पालना बहुत अच्छी तरह से होगी. आत्माओं की सेवा जैसे के स्वाभाविक तरीके से हो जाएगी नेचुरली हो जाएगी एक याद में रहकर. इसके लिए बाबा कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो आसान भी हो सकता है अगर नहीं करेंगे तो मुश्किल भी हो जाएगा. तो दूसरा ओम शांति है वो है बाबा की याद में रहना. तो हम वो करेंगे कल के लिए. और दादी जानकी उदाहरण थी याद. इतनी बार हम उनके कमरे में जाएंगे वो सिर्फ शांति से बैठी होंगी बाबा की याद में खोई रहती थी. इसके लिए जब भी हम उनके कमरे में जाते हैं या मिलने जाते हैं
तो वहां पे बहुत ही एक जादुई अनुभव होता है और हम सभी ने वो अनुभव किया है। हम सभी योगी हैं, हम सभी बाबा को जानते हैं। तो अगर किसी से मिलना है, किसी से बात करना है, फोन पे हो तो जब आप बात कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, याद में रहकर कर रहे हैं, तो आप देखो उसका जादू कैसा है, क्योंकि आप बाबा के साथ सेवा कर रहे हो, बाबा और आप साथ में मिलकर सेवा कर रहे हो और बाबा की याद आपके साथ है। तो ये सचमुच में बहुत ही शक्तिशाली है। ओम शांति। Om Shanti. So now it's time for Manan Chintan, the art of Om Shanti. अब समय है मनन चिंतन का. To invite Sister Shireen. कला है मनन चिंतन करने की. अब हम Sister Shireen की का स्वागत करते हैं. Om Shanti, everyone. Good evening. Om Shanti. आप सभी को good evening. Thank you, Didi, for that wonderful, धन्यवाद दीदी. Session on Om Shanti. उस बहुत ही wonderful session के लिए ओम शांति. मैं भी सोच रही थी जो हमने दादी जानकी के सुने, वीडियो सुना, प्रोग्राम शुरू किया जब हमने, और एक बात मुझे छू गई जो बाप दादी ने कहा कि वो और दूसरी बहन बागीचे में बैठकर एक दूसरे को देखकर वो सिर्फ एक दूसरे से सवाल पूछ रही थी कि कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ. और फिर वो रूहानी बातचीत कर रहे थे, चिट चैट कर रहे थे, और मैं सोच रही थी आज सवेरे जो मैंने चिट चैट की कुछ लोगों के साथ में, तो वो वैसा नहीं हुआ था. तो वो गहराई में वो जो इच्छा है कि दादी को हम फॉलो कर पाए, डायमंड दादी हमारे लिए प्रेरणा है, उनको फॉलो करें और वैसा करना, कम से कम दिन में एक बार किसी के साथ ऐसी बातचीत करें कि हम एक दूसरे को सिर्फ आत्मा देखें. जस्ट रिमेम्बरिंग दिस, और आप सिर्फ याद कर रहे हो इस शुभ मंत्र को, याद कर रहे हैं ओम शांति को. और जैसे दीदी ने कहा, अगर हम वो करेंगे तो वंडर हो जाएगा, जादू हो जाएगा उसकी वजह से. दीदी के सेशन से मुझे पसंद आया कि ओम शांति के बहुत सारे फायदे हैं. ये जो मंत्र है ओम शांति का, बहुत फायदे हैं उससे. कल दिस मॉर्निंग सिंस अमृत वेला, आज सवेरे अमृत वेले से लेके जब मैं ओम शांति के ऊपर मनन चिंतन कर रही थी, तो मैं सोच रही थी कि हमें सिर्फ ये करना है, और मेरे लिए याद ये है कि मुझे उस पल में रहना है. तो मैं अपने से पूछ रही थी कि तीन ओम शांति क्या है. एक है मैं कौन हूँ, किसकी हूँ मैं, और मुझे अब क्या करना है, और जो मुझे अब क्या करना है वो स्थूल जवाब नहीं है, लेकिन रूहानी जवाब भी हो सकता है. और मुझे अच्छा लगा दीदी ने जब कहा कि थोड़े से पल लें, स्मृति में आओ, साइलेंस में जाओ, और फिर याद करो कि कौन हूँ मैं. The multi-purpose benefits, the 10 benefits of 10 फायदे हैं इसके. Doing this, the 10 benefits of इसके 10 फायदे हैं अगर आप time करते हैं, you know, कि कुछ समय लेकर internalizing this sacred अंदर से आप जैसे कि जाप करें ओम शांति का. is that पहला फायदा है इंट्रोड्यूसिंग कि मैं अपने आप भी ऑटोमेटिकली अपना परिचय दे रही हूँ. That I'm automatically introducing myself. कि मैं automatically अपना परिचय दे रही हूँ कि मैं शांत आत्मा हूँ. और मैं सिर्फ अपना परिचय नहीं दे रही हूँ, लेकिन मैं दूसरी आत्मा को भी देख देख कर आत्मा समझ रही हूँ. That a beautiful atmosphere है is created. कि एक सुंदर वायुमंडल बन जाता है. And not only और ये यूनिवर्सल है. Universal acceptance. और इसमें स्वीकृति है यूनिवर्सल की, इस शुभ
जाप की के सभी भाषाएं इसको स्वीकार करेंगे और इसका अभ्यास रहना चाहिए. और तीसरा है when I practice this, when I practice कि जब मैं ये अभ्यास करती हूँ ओम शांति तो मेरा मनन चिंतन बढ़ जाता है. मैंने मनन चिंतन अभी तक नहीं कभी यूज किया लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो गहराई में सोच विचार करना और वो ही मनन चिंतन है. तो मैं अभ्यास करती हूँ ओम शांति का तो मनन चिंतन बढ़ जाता है. और चौथा है there will be an impact in the outside world and jitna abhyas karenge utna bahar ki duniya mein prabhav ho padega. and panchwa hai it will create a very beautiful inner silence aur wo bahut hi sundar tarike se andar se bhi silence banayega. to ye iske bahut sare fayde hain inner silence to bahut sundar andar se silence banayenge of experience और आप अनुभवी अनुभव की दीदी वाज कनेक्टिंग एंड एक्चुअली अनुभवी मूर्त बनेंगे अथॉरिटी की अनुभव करेंगे आप और पवित्रता और शांति को कैसे तो पवित्रता जननी है शांति की तो वो पवित्रता की वजह से शांति होगी और शांति की वजह से पवित्रता होगी. और आठवां है It lets हमें फुल स्टॉप लगाने में मदद देता है कि जो हो गया सो हो गया. दादी जी पास्ट हो गया पास्ट हो गया. ओम शांति यानी कि सिर्फ आप फुल स्टॉप नहीं लगाओ दूसरे भी फुल स्टॉप लगाते हैं बिंदु लगाते हैं. नाइन्थ है कि हमें हद की हद से बेहद में लेकर जा रहा है बेहद में लेकर जाता है हद से. और दसवां है मुझे बहुत पसंद आया ये ओम शांति को याद से उन्होंने जोड़ दिया. उन्होंने कहा जब आप अपने संकल्पों को परिवर्तन कर रहे हैं तो ओम शांति मंत्र का मतलब है कि संकल्पों को परिवर्तन करना खास करके जब आप परिवर्तन कर रहे हैं साइलेंस में स्मृति में रहकर तो फिर हम अपने कर्मों का भी हिसाब किताब चुकता करते हैं. तो ये बहुत ही शक्तिशाली बात है. तो ये दस बात जो है कि वो बहुत ही प्रभावशाली है कि आप ओम शांति के रहकर आप अपना हिसाब किताब चुकता कर सकते हैं. तो ये जो जाप है आप देखें कि मेरे आज वर्तमान और भविष्य में आप देखो कितना फर्क है और वो जैसे कि ब्रिज बना सकते हैं आप वर्तमान और भविष्य के स्थिति में. थैंक यू दीदी. धन्यवाद धन्यवाद दीदी. ओम शांति. This is tomorrow's Manan Chintan point. ये कल का मनन चिंतन की पॉइंट है. Remembrance comes first. पहले याद. Then service. फिर सेवा. Service is to walk, talk, चलना, and move बात around. करना और घूमना. Service is to walk, यह सेवा है. Talk and move around. चलना, बात करना और घूमना. यह सेवा है. याद में, याद से सुंदर वातावरण बनता है. She does look like the embodiment of karma and yoga at the same time. कर्मा और योगा का स्वरूप दिखती है. A classic dadi pose. दादी का पोज. Classic pose. Om Shanti. Om Shanti. Lovely, Shireen, when you summarize it nicely and it's good to take 10 points. आपने बहुत अच्छे से संक्षेप में बताया. आप हर बार 10 पॉइंट निकालती हैं. If each one of us pay attention. अगर हम सभी ऐसे ध्यान देंगे. Love for Dadi is to follow Dadi. दादी के लिए हमारा प्रेम है तो दादी को फॉलो करेंगे. मुझे लगता है हम वंडर कर सकते हैं दादी ने कैसे किया और कितना हम कर रहे हैं और प्राप्तियां भी हो रही हैं. वन ऑफ द रीजन इज दैट वी आर नॉट इंटीग्रेटिंग. एक
वजह है कि हम अपने जीवन में उसको इंटीग्रेट नहीं कर रहे, यानी कि ओम शांति कर्मों में नहीं ला रहे हैं. इंटीग्रेट यानी कि अंदर जोड़ देना जीवन में. हम सभी अगर इस तरह से सोचेंगे और करेंगे, आत्मा का कार्य संपन्न होगा और हम सभी अपने संपन्नता के स्थिति तक पहुंच जाएंगे. हम बाबा की आशा पूर्ण करेंगे बहुत जल्दी. और मुझे लगता है विश्व को भी ये जरूरत है, ऐसी मूर्त, ऐसी सुंदर एनर्जी जहां वातावरण शांति का बना सके. After lecture will मुझे पता है दादी लेक्चर के बाद में 2-3 मिनट के लिए साइलेंस में खड़ी होती थी, चाहे बहुत लोग हो या कम, सभी साइलेंस में हो जाएंगे नेचुरल तरीके से. प्रोग्राम खत्म हो जाएगा लेकिन किसी को जाने का मन नहीं है, क्योंकि वो लोग इतना साइलेंस में समाए हुए हैं. तो मुझे लगता है हम सभी को भी ये अभ्यास करना चाहिए. ये तो बेसिक लेसन है हमारा, लेकिन हमें अभ्यास की बहुत जरूरत है. ये महत्वपूर्ण बात है. ओम शांति. ओम शांति. वेलकम टू अव्यक्ति जर्नी. स्वागत है अव्यक्ति यात्रा में आपका. आदि देव खास कहानियां हैं जो परमात्मा की निमित्त आत्माएं बने. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. वंडरफुल बाबा, वंडरफुल हमारा मधुबन पादर भवन ज्ञान सरोवर हॉस्पिटल वाले भी कम नहीं है. प्यार में, रूहानी स्नेह में मैं कहाँ हूँ, भक्ति में कहते सर्वव्यापी पर हर एक ईश्वरी परिवार साथ में होने से बाबा का अच्छा अनुभव, बाबा गए बच्चे, बच्चे गए बाबा. August 1947. The government declared the partition of India and Pakistan. After a few years of partition, one day, Shiv Baba gave direction that now is the time to move back to India and serve the people of India. At last in 1950, the children started to prepare to leave Karachi. Before Brahma Baba left with children to go to India, he had sent Didi Manmohini Ji and brother Vishwakishore first to look for a place for the yagya. Didi went to inspect many buildings all across India, especially Pune and Ahmedabad. Even after many tries, they could not find the place that Baba had described in Murli's. One day, one guru, Siddhanandji, invited Didi to Mount Abu. As soon as she stepped on the land of Mount Abu and looked at the beautiful mountains, she recalled Baba's precious words. Children, at the end, you Brahmin souls will be going to a mountain and doing your tapasya there. You will be staying at the residence of kings. This is when Didi realized that she had reached the right place. अंबर से धरती पर जैसे
In Mount Abu, there used to be a vacant residence of kings called the Bridge Koti. As soon as Didi saw this place, she rushed back to Ahmedabad and made a call to Brahma Baba in Karachi and asked for his advice. Baba instantly gave permission to acquire this place. Brother Vishwakishore finalized all the necessary paperwork and started to prepare Bridge Koti for Baba's arrival. There were 400 Yajna members in Karachi at that time. When their luggage was piled at Karachi port, a huge crowd of people gathered around to bid farewell with garlands and flowers. As they sat in the streamer, it felt as if they were leaving the shore of the old world and going towards the shore of the new world. At last, the Yajna members reached the port of Oka. From Oka, they all took a train to Mount Abu. As soon as Baba reached Mount Abu, he took the children to a lovely temple of Dilwara. This is when Baba revealed the secret of choosing Mount Abu as their service place. Baba explained that 5,000 years before, the first deity, Brahma, had done his tapasya here, along with first goddess Saraswati. On these mountains were the memorials of the special events, the most beautiful temples in the world. Dilwara, Amba Mata, Athar Devi, Kumari Kanya and Achalgarh. These temples are built with marbles, which tell the story of all the heroic yogis who have conquered death through their union with God. In Dilwara temple, there are two statues of Adidev. One idol is black and one is white. This represents the Brahma Baba's transformation from impurity to perfection. In the temple's inner walls are 108 statues of a yogi in meditation. A large diamond is in the hearts of each one, representing their constant love for Shiv Baba. Each one has an open third eye, symbolizing their soul conscious awareness. The amazing truth is that the entire temple of Dilwara echoes the very events which are taking place right now at the confluence age. Baba said that these memorials that you see here in Abu are the memorials of the Yajna from last cycle. It was an intoxicating experience for Baba's children to visit this place and see their own memorial carved in marble stones. Finally, at Baba's command, the Yajna settled in Mount Abu. Bridge Koti was now renamed to Madhuban, the forest of honey. Abu ki mahima vishal hai, sachmuch ya Abu kamal hai.
जहाँ ज्ञान की वही मशाल है, जिससे मिटता मोह जाल है। आबू शिव अवतार भूमि है, सालीग्राम तुलार भूमि है। यह सत धर्म प्रचार भूमि है, सतयुग की आधार भूमि है। कल्प कल्प ब्रह्मा तन में, आबू में शिव अवतार हुआ है। कल्प कल्प आबू से सच्चा गीता ज्ञान प्रचार हुआ है। सर्वोच्च भगवान साकार में आकर बच्चों से मिलते यहाँ पर। सर्वोच्च भगवान साकार में आकर बच्चों से मिलते यहाँ पर। बाबा बच्चों का मेला रूहानी, बाबा बच्चों का मेला रूहानी। गाते हैं जिसकी महिमा महान, भागवत शास्त्र और वेद पुराण। भागवत शास्त्र और वेद पुराण। प्यारा मधुबन मेरी आंखों में छा गया, दिलवाला मधुबन का बाबा। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है मधुबन। कितना मधुर मधुर है मधुबन, कितना मधुर मधुर है। सदा ये आंखों में छाया है। बेक करने आता है, जिससे आप ब्रेड बनाते हैं उसी में क्रैनबेरी डालो और फिर उसको रोल करके आप बेक कर सकते हैं। अंदर क्रैनबेरी है, बहुत ही हेल्दी है, हेल्दी टूली है और वो बेक किया हुआ है, समय नहीं लगता है इसको। आप सभी अपनी टोली ले लें। ओके, दैट्स गुड। Yeah, so it feels so good when we are talking about Om Shanti. बहुत अच्छा लगता है जब हम ओम शांति के बारे में बात करते हैं, याद के बारे में बात करते हैं। Lessons of beginning. So यही हमारी शुरुआत का लेसन था। From now until tomorrow, we will really keep aiming. आज से लेके कल तक हम यही लक्ष्य रखेंगे। A peaceful soul in remembrance of Baba. कि मैं शांत आत्मा हूँ, बाबा की याद में सारे कर्म, remembrance of Baba. बाबा की याद में रहकर करेंगे और शांत आत्मा अनुभव उस अनुभूति में रहेंगे। बहुत सारी आत्माओं को टचिंग मिलेगी, संदेश मिलेगा। ओके, ओम शांति। ठीक है, ओम शांति। So one more thing, Saturday. एक और बात कहेंगे। I know many of you must have attended our session with our two didis. दोनों दीदियों के साथ आपने अटेंड किया होगा सेशन। अव्यक्ति परिवार यूट्यूब चैनल में भी है लिंक, इफ नॉट वी विल सेंड। हमने लिंक भेजी थी। ऑल्सो ऑन संडे द हिंदी शिवरात्रि प्रोग्राम वाज very very Sunday nice ko hindi shivratri program bhi bahut acha hua. Must have attended and if you haven't attended kiya agar aapne attend nahi kiya aur agar aapko dekhna hai link again to hum aapko link bhejenge email mein and listen to that aur jaakar sun sakte hain, dekh sakte hain. Shivratri is coming on Thursday, so you can even pass on that link. Gurwar ko aa rahi hai to aap wo link lokik ko bhi aap de sakte hain taki wo didi ka so people can jo talk tha wo bahut hi touching tha, understanding who Shiv Baba is. So it's a beautiful, to logon ko gyan samjhega ki Shiv Baba kaun hai. Ye bahut sundar tarika hai seva karne ka. Number Baba, dhanyawad. Ab hum Baba ko yaad karte hain, drishti lete hain didi se. Thank you.